तो कैसे हो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा दोस्तों, अगर आप एक यूट्यूबर हो, अपनी वीडियो में बैकग्राउंड म्यूजिक लगाने के लिए विदाउट कॉपीराइट बैकग्राउंड म्यूजिक ढूंढ रहे हो, तो आज की वीडियो में आपका भाई आप सभी को यही बताएगा कि आप कहां से बैकग्राउंड म्यूजिक विदाउट कॉपीराइट बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। आपको 1 रुपया भी देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यूट्यूब पे जितने भी नए नए यूट्यूबर आते हैं वो बहुत सारी गलतियां अपने यूट्यूब चैनल पर कर देते हैं। वो किसी का भी कहीं से भी म्यूजिक डाउनलोड करके अपनी वीडियोस में लगा देते हैं और बाद में उनकी वीडियोस पे कॉपीराइट आ जाता है। आप सभी को भी ये गलती है नहीं करनी, ताकि आपको बाद में पछताना ना पड़े। आज की वीडियो में मैं आप सभी को एक-एक अच्छे तरीके से समझाऊंगा कि आप विदाउट कॉपीराइट बैकग्राउंड म्यूजिक कहां से डाउनलोड कर सकते हो बिल्कुल फ्री में। आपका किसी भी कैटेगरी से रिलेटेड यूट्यूब चैनल हो, चाहे गेमिंग का चैनल हो, चाहे व्लॉग का चैनल हो, चाहे कुकिंग का चैनल हो, किसी भी कैटेगरी का रिलेटेड से यूट्यूब चैनल है, वहां से आप बैकग्राउंड म्यूजिक डाउनलोड करके अपनी वीडियोस में यूज कर सकते हो। ना तो आपको कोई कॉपीराइट आएगा, ना ही आपको क्रेडिट देने की जरूरत है। तो यहां पर मैं आप सभी को अपनी मोबाइल स्क्रीन पे बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा कि आप यहां से बिल्कुल अच्छे अच्छे म्यूजिक ले सकते हो, वो भी अपनी वीडियो में यूज करने के लिए। तो चलिए मैं आप सभी को अपनी मोबाइल स्क्रीन पे ले चलता हूं। तो फाइनली दोस्तों, यहां पर आप सभी मेरी मोबाइल स्क्रीन देख सकते हो। अब आपको अपना मोबाइल उठाना है, मोबाइल में गूगल क्रोम ओपन कर लेना है। यहां पर जो भी आपका यूट्यूब चैनल होगा, यहां पर आपको अपना यूट्यूब चैनल ओपन कर लेना है। यहां पर मैं अपना यूट्यूब चैनल ओपन कर लेता हूं। अब यहां पर आप सभी को साइड में 3 डॉट मिलेगी, आपको उस पर क्लिक करना है और इसको डेस्कटॉप मोड ऑन कर लेना अपने मोबाइल में। जैसे डेस्क मोड ओपन कर लोगे, यहां पर आप सभी को राइट साइड में आपके यूट्यूब चैनल का लोगो दिखेगा, उस पर आपको क्लिक करना है। यहां पर ऑप्शन मिलेगा यूअर चैनल, यूअर चैनल को आपको दबा के रखना है। जैसे ही दबाओगे आपके सामने काफी सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। यहां पर आपको ऑप्शन मिलेगा प्रीव्यू पेज, तो प्रीव्यू पेज पे आपको क्लिक करना है। इस तरह से ऊपर की तरफ ये टिक मार्क दिखेगा, इस पे आपको क्लिक कर देना है। यहां पर आप सभी का YouTube चैनल ओपन हो जाएगा। अगर आपका चैनल इस तरह से ओपन हो, फिर से आपको डेस्क मोड ओपन कर लेना है 3 डॉट लाइन पे क्लिक करके। यहां पर आप सभी का YouTube चैनल ओपन हो जाएगा। अब यहां पर आप सभी को थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूं, यहां पर कस्टमाइज चैनल का ऑप्शन मिलेगा, इस पे भी आपको दबा के रखना है। दबा के जैसे रखोगे फिर से प्रीव्यू पेज का ऑप्शन मिलेगा, प्रीव्यू पेज पे ऑप्शन में क्लिक करोगे इस तरह से टिक मार्क आएगा। कुछ मोबाइल में नहीं आता, ऑटोमेटिक खुल जाता है। अगर आपके फोन में ऐसा टिक मार्क आए तो उस पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे क्लिक करोगे यहां पर आप सभी का जो है क्रिएटर स्टूडियो ओपन हो जाएगा, आपके जो YouTube चैनल का क्रिएटर स्टूडियो होता है वो ओपन हो जाएगा। अब यहां पर ऑप्शन, यहां पर लेफ्ट साइड में ऑप्शन मिलेगा आपको ऑडियो लाइब्रेरी, ऑडियो लाइब्रेरी पे आपको क्लिक करना है। यहां पर आप सभी को बहुत सारे विदाउट कॉपीराइट म्यूजिक मिल जाएंगे बिल्कुल, वो भी फ्री, कोई भी क्रेडिट देने की जरूरत नहीं है और ना ही आप सभी की वीडियो पे कोई भी कॉपीराइट आएगा। यहां पर देख सकते हो बहुत सारे म्यूजिक है, जितने भी यूट्यूबर है यहां से बहुत ज्यादा म्यूजिक यूज किया जाता है। वो कहीं से भी म्यूजिक डाउनलोड नहीं करते, यहीं से वो म्यूजिक यूज करते हैं। बस आपको यहां से म्यूजिक सिलेक्ट करने हैं कि आपको कौन सा म्यूजिक अपनी वीडियो में लगाना है। तो यहां पर आप सभी को 3 ऑप्शन मिलेंगे, फ्री म्यूजिक, यहां पर आपको साउंड इफेक्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, यहां पर आपको स्टार्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। अब स्टार्ट का ऑप्शन क्या होता है, मतलब क्या होता है, मैं आप सभी को बता देता हूं। यहां से मान लीजिए आपको कोई म्यूजिक पसंद आया और आपको उसने स्टार कर दिया, मान लीजिए स्टार का वो लगा दिया, तो यहां पर स्टार वाले ऑप्शन में वो आपका फेवरेट म्यूजिक सेव हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने म्यूजिक को भी सेव कर सकते हो। मान लीजिए यहां पर आपको बहुत सारे म्यूजिक मिलेंगे, किसी एक पे प्ले करूंगा तो यहां पर देख सकते हो म्यूजिक प्ले हो गया, बिल्कुल अच्छे अच्छे म्यूजिक यहां पर मिल जाएंगे आपको, देख सकते हो। मैं एक और म्यूजिक प्ले करके दिखाता हूं, ये देख सकते हो, बहुत सारे म्यूजिक आपको यहां पर बिल्कुल फ्री में मिलेंगे विदाउट कॉपीराइट, ना ही कोई क्रेडिट देने की जरूरत है। यहां पर आप सेलेक्ट भी कर सकते हो सर्च ए फिल्टर वाले ऑप्शन में जाके, यहां पर आप सभी को ये देख सकते हो मूड वाला ऑप्शन मिल गया। यहां पर आप मूड से रिलेटेड जो है म्यूजिक सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि आपका मूड सैड है तो आप सैड पे क्लिक करके अप्लाई करोगे तो आपके सामने सैड वाले म्यूजिक आ जाएंगे जो आप अपनी वीडियो में यूज कर सकते हो। मैं प्ले करके दिखाता हूं, ये देख सकते हो, इस तरह से आप यहां विदाउट कॉपीराइट म्यूजिक ले सकते हो। मैं एक और म्यूजिक प्ले करके आपको दिखाता हूं, बहुत सारे म्यूजिक आपको यहां पर मिल जाएंगे,
तो इस तरह से यहाँ पर आप म्यूजिक डाउनलोड कर सकते हो। बहुत सारे यूट्यूबर के दिमाग में क्वेश्चन आता है कि हम विदाउट कॉपीराइट म्यूजिक कहाँ से डाउनलोड करें। यार गूगल आप सभी यूट्यूब सॉरी गूगल बोल रहा हूँ, यूट्यूब आपको बिल्कुल फ्री में म्यूजिक दे रहा है, यहाँ से डाउनलोड करिए। ना ही आपकी वीडियो पे कोई कॉपीराइट आएगा, ना ही आपको क्रेडिट देने की जरूरत है, यहाँ से डाउनलोड करिए। मान लीजिए आपको ये सॉन्ग पसंद आया, अब इसको आपको डाउनलोड कैसे करना है, यहाँ पर आपको साइड में ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, ये देख सकते हो, ये डाउनलोड का ऑप्शन मिल गया साइड में, बिल्कुल आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा। जैसे ही डाउनलोड पे क्लिक करोगे, एक ही क्लिक में आपका म्यूजिक डाउनलोड हो जाएगा और आप इस म्यूजिक को अपनी वीडियो में यूज कर सकते हो। यहाँ पर आप सभी को बहुत सारे म्यूजिक मिल जाएंगे विदाउट कॉपीराइट। आपको मैंने बताया, अपनी मोबाइल में समझाया, यहां से जितने चाहे उतने म्यूजिक आप डाउनलोड कर सकते हो। अब आपका व्लॉग का चैनल है, अब आप व्लॉग चैनल पे काम कर रहे हो, तो उसके लिए विदाउट कॉपीराइट म्यूजिक कहां से ले, वो भी मैं आप सभी को आज की वीडियो में बता देता हूं। फाइनली दोस्तों, यहाँ पर आपको अपना मोबाइल में यूट्यूब एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। ओपन करके यहाँ पर आपको सर्च में लिख देना है, मैं आप सभी को दिखा देता हूँ, सर्च में लिख देना है व्लॉग नो कॉपीराइट म्यूजिक। आप सभी के सामने ये चैनल आएगा व्लॉग नो कॉपीराइट के म्यूजिक के नाम से, इस पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप सभी को भी विदाउट कॉपीराइट व्लॉग के रिलेटेड म्यूजिक मिल जाएंगे। मैं यहाँ पर मोस्ट पॉपुलर पे जाता हूँ और यहाँ पर एक म्यूजिक आपको प्ले करके दिखाता हूँ, ये देख सकते हो। इस तरह से यहां से भी आप जो है अपने व्लॉग चैनल के लिए बिल्कुल फ्री में म्यूजिक डाउनलोड करके अपनी वीडियोस में यूज कर सकते हो। मैं एक और म्यूजिक प्ले करके दिखाता हूँ, ये देख सकते हो कितने अच्छे म्यूजिक है। बहुत सारे व्लॉगर इन म्यूजिक को अपनी वीडियोस में यूज करते हैं। बस आपको करना क्या है, इसको क्रेडिट देना है अपनी वीडियो में। क्रेडिट कैसे देना है, बहुत सारे यूट्यूबर को ये नहीं पता होता कि क्रेडिट कैसे दिया जाता है। मैं आप सभी को बता दूं, जैसे मान लीजिए आपको ये म्यूजिक पसंद आया, आपने इस म्यूजिक का डाउनलोड किया, तो इसके डिस्क्रिप्शन में आपको जाना है। डिस्क्रिप्शन में सिर्फ आपको क्या कॉपी करके लगाना है, ये देख सकते हो, ये लाइन, ये जो ये सॉन्ग सॉन्ग लिखा हुआ है ना, सॉन्ग के आगे लिंक लिखा हुआ है, सिर्फ इसको आपको अपने कॉपी करके अपने डिस्क्रिप्शन में लगा देना है। इससे इसको क्रेडिट भी मिल जाएगा, ना ही आपकी वीडियो में कोई कॉपीराइट आएगा, ना ही कुछ भी नहीं आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस आपको अगर इसके लिए यहां से म्यूजिक अपने व्लॉग चैनल पे यूज करोगे तो इसको आपको क्रेडिट दे देना है। मैंने क्रेडिट देना भी आप सभी को अपनी वीडियो में सिखा दिया है, तो कुछ भी बड़ी बात नहीं है। यहां से आप बहुत सारे म्यूजिक ले सकते हो, अपनी वीडियोस में लगा सकते हो दोस्तों, बिल्कुल आसान तरीके से। आप अगर आप एक नए यूट्यूबर हो, इस वीडियो से सीख के आपको पता लग गया होगा कि हम विदाउट कॉपीराइट म्यूजिक कहाँ से ले, कैसे डाउनलोड करने हैं। अगर आपका एक व्लॉग चैनल है, वो भी मैंने आप सभी को बताया है कि अगर यहाँ से आप व्लॉग के लिए चैनल में अपना म्यूजिक लगाओगे यहाँ से डाउनलोड करके, तो कोई भी कॉपीराइट नहीं आना, सिर्फ आपको क्रेडिट दे देना है उसको। अब आपका गेमिंग चैनल हो, कुकिंग चैनल हो, सिर्फ वहां से आपको म्यूजिक लाइब्रेरी से म्यूजिक डाउनलोड करने हैं और अपनी वीडियोस में लगा देने हैं। तो आज की वीडियो दोस्तों यहीं खत्म करता हूँ। वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।